कार में लिफ्ट देकर सवारियों से लूटपाट करने वाले गिरोह से मुठभेड़, एक घायल सहित 5 बदमाश गिरफ्तार। कब्जे से कार, असला, चाकू व कारतूस बरामद। नोएडा के थाना एक्सप्रेसवे पुलिस व बदमाशों के साथ हुई मुठभेड़ में एक बदमाश घायल अवस्था में, जबकि अन्य 4 को कॉम्बिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने इनके कब्जे से 2 तमंचे, 315 बोर में 3 जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस, 315 बोर व एक स्विफ्ट कार बिना नंबर प्लेट की बरामद की है। घायल अवस्था में जमीन पर पड़े ये बदमाश बड़े ही शातिर किस्म के हैं। दरअसल देर रात नोएडा के थाना एक्सप्रेसवे क्षेत्र चेकिंग के दौरान संदिग्ध वाहन में सवार जेपी हॉस्पिटल पुस्ताकट पर पुलिस मुठभेड़ के बाद दीपक घायल अवस्था निवासी अलीगढ़, सुमित चौहान पुनीत समीर को कॉम्बिंग के दौरान गिरफ्तार किया। इनके पास से बिना नंबर प्लेट की सफेद रंग की स्विफ्ट कार भी बरामद की। ये शातिर किस्म के अपराधी हैं। ये राहगीरों को अपनी गाड़ी स्विफ्ट में लिफ्ट देकर व यात्री के रूप में बिठाकर तमंचा व चाकू की नोक पर उनके साथ लूटपाट करते हैं। एडिशनल डीसीपी रणविजय सिंह ने बताया कि अभियुक्त दीपक और सुमित चौहान और बाबा के द्वारा पूर्व में भी जनपद के अन्य थाना क्षेत्रों में लूटपाट की घटना की गई है। अभियुक्त दीपक और सुमित चौहान उर्फ बाबा को थाना दनकोर गौतम बुद्ध नगर से पूर्व में पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर जेल भेजा था। अभियुक्त दीपक के कब्जे से 1 अदद तमंचा, 1 खोखा कारतूस व 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। अभियुक्त सुमित चौहान उर्फ बाबा के कब्जे से 1 अदद तमंचा, 1 खोखा कारतूस व 1 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। वहीं अभियुक्त पुनीत के कब्जे से 1 अदद चाकू, अभियुक्त समीर के कब्जे से 1 अदद चाकू बरामद किया गया है। इनके खिलाफ जनपद में दर्जनों मुकदमे दर्ज है। थाना एक्सप्रेस वे में पुलिस मुठभेड़ हुई है, क्या है पूरा मामला? देखिए, एसीपी थर्ड और एसओ एक्सप्रेस वे को एक सूचना मिली थी पहले कि इनके क्षेत्र में एक बहुत ही शातिर गैंग मूव कर रहा है, जो पहले लूट की घटनाओं को अंजाम दे चुका है और वो गाड़ियों में सवारी बैठाकर उनके साथ भी लूटपाट करता है। इस गैंग का पूरा जो एरिया है वो पूरा NCR है, यहाँ से लेकर के और उधर उत्तराखंड तक के भी जनपदों में ये वारदात करते हैं। इस गैंग पे हमारी टीम लगी और हम लोगों ने इधर इनके मूवमेंट की सूचना थी, उस पर हम लोगों ने आज अपनी टीम लगाई और आज हम यहाँ पुस्ता पे खड़े हैं। यहाँ पे एक स्विफ्ट डिजायर कार बिना नंबर प्लेट की आती हुई दिखाई, जिसके हमारी टीम ने रोकने का प्रयास किया। चलो रुके नहीं, यहाँ इसमें से एक व्यक्ति फायर करता हुआ उसमें से निकल के भागने का प्रयास किया, हमारी टीम ने रिटेलिएट किया जिसमें वो घायल हुआ। बाकी जो 4 लोग थे यहाँ से फरार हो गए, एक को तो तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया था लेकिन बाकी को कुछ दूर के बाद गिरफ्तार किया गया। ये बेसिकली 5 लोग हैं और ये गैंग बनाकर कार में बैठ करके लूटपाट करते हैं। इनके पुराना इतिहास भी है, पहले भी इन लोगों ने लूटपाट की घटनाओं को अंजाम दिया था। पहले इन लोगों ने एक हमारे यहाँ दनकौर क्षेत्र में एक किसान से 1 लाख की लूट की घटना की थी, जिसमें ये जेल गए थे। एक ऑटो वाले से भी लूटपाट की थी बीटा 2 में। और इस प्रकार आज ये प्लान करके खटीमा उत्तराखंड में जाकर किसी एक किसान से ही 5 लाख रुपया लूटने का प्लान कर रहे थे, ये भी जानकारी मिली। जब हम लोगों ने इस एक जो घायल हुआ उससे पूछताछ की, उसका नाम दीपक था और बाकी जो उसकी टीम के अन्य मेंबर्स हैं ये सभी हरदुआगंज अलीगढ़ के रहने वाले हैं और ये पूरा गैंग बना करके ये लूटपाट की घटना को अंजाम देते हैं और उसके बाद कभी जब भी मौका मिलता है सवारी बना बैठा कर उसे भी लूटपाट करते हैं। हम लोग बाकी इनके बारे में पता कर रहे हैं, इनका जो और गैंग मेंबर्स हैं उसके बारे में पता कर रहे हैं और मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा और अग्रिम इस गैंग पर अच्छे तरीके से कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए नोएडा से नितिन चौधरी की रिपोर्ट।